ਬੋਤਲ ਬਾਈ ਚੰਗੀ ਵੀ ਐਪ ਯਕ ਠੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰੋਟਾ ਵਾਈਟਲ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਗੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ਼ਵ ਰੋਟਾ ਵਾਈਟਲ ਸਾਲੇ ਨਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿਆ Welcome to another vlog. कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबकी दुआएं। क्या तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि जो हमारी YouTube जर्नी है उसमें हम ये ईद उल अज़हा फर्स्ट टाइम आई है, तो बात कुछ इस तरह के तकरीबन एक साल से जो हमने घर में जानवर वगैरह रखे हुए थे ईद पे कुर्बान करने के लिए, तो उनका लास्ट डे है इंशाल्लाह। हमने तैयारी वगैरह कर ली है, इंशाल्लाह ईद की नमाज अदा करने के बाद सीधा घर वापसी आके उनको अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे, क्योंकि आज का दिन जो है ये सुन्नत इब्राहिमी का दिन है, तो इंशाल्लाह आज के दिन बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हाँ स्कूटर दे। हाँ चलो तो दे दे दी लेनी है पूरे ना रास्ता कर ना ना मसला खराब है। अच्छा तो भाई साहब मेरा टाइम हो गया ईद का, ये तो हो गया 5 मिनट आ गए, 5 मिनट पड़े हैं जी ईद उल अज़हा के अदा करने में। कोई बात नहीं, उर्दू थोड़ी कमजोर है, मैं तुम नाल दस यार फौजी साहब। अच्छा मजे की बात ये है कि फौजी साहब माशाल्लाह इसकी दूसरी ईद है, तो ईद मनाने के लिए दूसरी दफा घर आ गया। फौजी होते हैं वो तकरीबन दो दो तीन तीन ईद बाहर गुजारते हैं, ये हमारा फौजी हर ईद घर गुजारता है। ओ लाया आओ कोई लेड़ी छेड़ी के छते आवणी है। अच्छा आनु केंद्र बिल्कुल अच्छा। जस्ट होल्ड अ सेकंड, नियत जो बीमार हैं घरों में हैं अस्पतालों में जहां कहीं भी सबको शिफा कुल नसीब फरमाए, हम सबको रोजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह ज़ियारत नसीब। अच्छा तो
बात कुछ इस तरह की, ये ईद अजहा होती है, ये ईद कोई ज्यादा घूमने फिरने वाली नहीं होती, क्योंकि ये कुर्बानी का जानवर ज़िबह करना होता है। ईद की नमाज अदा करके सीधा घर आए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे कुर्बानी के जानवर में हमने हिस्सा रखा हुआ है, वहाँ पे वो कुर्बानी करवा के फिर इंशाल्लाह घर आएंगे, और जो कुर्बानी के लिए हमने घर में बकरा रखा हुआ उसकी उसको ज़िबह बाद में आके करते हैं। जड़ी गल है मेन तजर्बा चंगा इन्हें गांव का होना कुर्बानी का जो जानवर है उसकी वो कटाई वगैरह कर रहे हैं, तो ये फौजी साहब ने दिल बड़ा किया, कहता चल तेरे बोतल पे वाह जिंदगी पहली दफा। फौजी साहब मोटरसाइकिल मैं चलावना? नहीं। अच्छा जानती बाकी कोई बोतल नहीं, जानती बाकी मैं वापसी तो चलो तुम चलाओ। एक मुद्दा से इन अंकों ने कोई शैतान नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम। कोई सर कोई सर ईद हुआ यार, पता नहीं के मसला है, कैमरे की शौक तो या के सीन है। ओ भाई अगले महीने 15 मेरे में निकल बोतल गाड़ी दे दे बोतल भाई का चंगी वीआईपी या ठड्डी होनी चाहिए। रोटा वाइटल कास्ट है केड़ी बैसरा से के शौक रोटा वाइटल साले ना की तू पूछ के तू सुन गया बड़े अनवाइन दो कार के मन टूट के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। अच्छा तो कपड़े वगैरह चेंज कर लिए अभी? कच्चा और शर्ट वगैरह पहन लिए, क्योंकि अभी जाके गोश्त बनवाते हैं, अगर खाना है तो घर से गोश्त करना है तो आज काम तो करना पड़ेगा डेफिनेटली। जी मेरी प्लानिंग थी, मेरी प्लानिंग ये थी कि आज दो जो कुर्बानी के दो हिस्से हैं वो करेंगे, तो कल के दिन हम बकरे को ज़िबह करेंगे। तो हम उधर हिस्से वाली साइड पे गए हुए थे जिस जानवर में हमारा हिस्सा था, तो पीछे अबू जान ने वो अंकल अमजीद को बुला के वो बकरे को ज़िबह करवा दिया। तो चले ये भी अच्छा हो गया, जो वो अच्छे के लिए हुआ ठीक है। तो जो जानवर वाला गोश्त है वो जहाँ पे हमने हिस्सा रखा हुआ था वो भी रेडी हो चुका, जाके वो गोश्त भी लेके आते हैं, और ये बकरा अभी बना रहे थे बाहर मैंने देख के आया हूँ, तो अभी उनके साथ भी जाके गोश्त बनवाते हैं।
जानवर था उसमें से जो हमें हिस्सा आया गोश्त वाला वो हम लेके घर आ गए हैं, तो यहाँ पे बैठ के बकरा वगैरह बनाते रहे फौजी साहब। उसके बाद ये है कि आज ईद कुर्बान का दिन है, मतलब आज ईद उल अजहा का दिन है, तो आज फौजी साहब ने बड़े VIP तरीके से बकरा बनाया बैठ के। मतलब फौजी साहब आर्मी से तो आता है छुट्टियां मनाने, लेकिन यहाँ पे आके उसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। यार ईद का दिन हो और इतना माशाल्लाह हसीन और दिलकश मौसम बना हुआ, मैं कहता हूँ मजा ही आया। ये सारी बातें साइड पे, तो आप सबको फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक। तो मेरे आसपास के जितने भी लोग फ्रेंड्स, मेरे फैन, मेरी ऑडियंस में से यूट्यूब फैमिली, जो भी लोग मुझे देख और सुन रहे हैं, उनको मेरी तरफ से ईद मुबारक के साथ साथ एक फ्री एडवाइस ये भी है कि मेरे घर उनकी तरफ से खामोशी से गोश्त का छापर आ जाना चाहिए। मजाक कर रहा हूँ। बाय द वे थैंक यू सो मच एंड अगेन ईद मुबारक टू यू एंड योर फैमिली। बात कुछ इस तरह है कि गोश्त वगैरह बन के घर आ चुका है, मतलब सब कुछ रेडी है, अभी मैं शिद्दत से वेट कर रहा हूँ तो कुर्बानी का गोश्त कब पक कर तैयार होगा और हम जुड़ जाएंगे। भाई साहब तो इन को रोटी देवे ना देवे, भाई मेरी रोटी तो आ गई थी, मैं तो चुप कर दिखा पे। अच्छा तो वेलकम बैक हमारी यूट्यूब जर्नी में, हमारी गाल बोल गई क्यों बोल गई ये मसला ना क्यों बोल गई गाल। हमारी यूट्यूब जर्नी में फर्स्ट ईद उल अज़हा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी गुजरी है। ये मेरे टीम इमरान आपको नजर आ रहे हैं, राका भाई हाथ हिला दे। काल आंदी गली काल सुनो रोस्ट आ रहे हैं। हेलो हाँ जी यार, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਟਿੰਡੇ ਨਾ ਪਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। हेलो गाइस वेलकम टू चैनल माई, यार ए नहीं इंग्लिश समझी, वेलकम टू चैनल माई बैक। अपनी ऑडियंस ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਤੇ ਤੁਮੇਂ ਵਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ, ਭੈਣਾ ਬਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਥਾਂ ਗਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬੈਕ आप सबको ईद मुबारक और इंशाल्लाह हम कल आ रहे हैं न्यू व्लॉग के साथ। और एक पंजाबी गजल का एक शेर है ईद के हवाले से कि पै चाकू छुरियां तेज होंदे होसे सुन्नत खलील अदाए ईद कुसने बकरे ईद दे दे ईद कुसना आसिफ शाह। भाई उस्ताद सोनी के तू सोना है हासिद नजरां तू रख अपना या बचा के हाय हाय आज कल दो दो नंबरी दा रख मुखलिस नाल रला के क्या बात ते तैनू हुसन दा शाह मने आए तेरी जात दा बख्त अजमा के राती टपियां पुलिस दे नाके तू तेरी एक तस्वीर विखा के ओए 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 क्या बात है जिंदाबाद। शुक्रिया आसिफ भाई अल मरूफ राका भाई। अच्छा तो मैं अपनी प्यारी ऑडियंस से एंड पे एक बात कहना चाहता हूँ, ये बात मैंने पहले भी की है कि काइंडली आपके इर्द गिर्द जिन लोगों की कुर्बानी नहीं थी उन लोगों पे फोकस करके काइंडली आप उनके घर में गोश्त पहुँचाए। ऐसा दिन होता है जिस दिन हर अमीर गरीब के घर घर गोश्त पकता है, तो काइंडली आप इस चीज को जरा सीरियस लेना। आपने अपने इर्द गिर्द जिन लोगों की जो मुस्तहक लोग हैं जिन लोगों की कुर्बानी नहीं थी आपने उन लोगों के घर जाके उनको कुर्बानी का गोश्त दिया गया ना, ये मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस है जिसको आप एडवाइस समझें जो भी समझें काइंडली आपने इस चीज पे फोकस करना है। अच्छा तो वैसे आप लोगों ने भी ये चीज आजमाई होनी है कि जो ईद का दिन होता है ना कसम से को इतनी नींद आती है ना कि इतनी गनुदगी होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। हालांकि रात को हम टाइम पे सोए हैं तो सुबह उठे भी रूटीन वाइज ही हैं लेकिन थोड़ा सा जल्दी उठे हैं बिकॉज वो ईद पे जाना था, ईद की नमाज अदा करनी थी, तो मुझे अभी इतनी नींद आई हुई है मैं आपको क्या बताऊं। तो इस व्लॉग को करते हैं इधर ही एंड क्योंकि इस व्लॉग को अभी मैंने एडिटिंग करना है तो एडिटिंग पे आपको पता है एज यू नो काफी सारा टाइम लगता है। एडिटिंग के बाद आप लोगों के लिए मैंने ये पोस्ट करके ही सुना है, आप लोगों के लिए पब्लिक करके मैंने सुना है। तो अपने होस्ट सोनी खान को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।